हेलो सेकंड क्लास, आज हम अपना नया लेसन करेंगे जिसका नाम है कीबोर्ड एंड इट्स फंक्शंस। कीबोर्ड और उसके क्या-क्या काम होते हैं। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी है, राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर टू गेट द नेम ऑफ सम कीज ऑफ अ कीबोर्ड। यहाँ पे जितनी भी पिक्चर्स दी गई है इनका फर्स्ट लेटर आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे कैट है तो कैट का क्या आएगा, सी। एप्पल का ए। तो इसी तरह जितनी भी पिक्चर्स है सबके आपको अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं। अ कीबोर्ड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। जो कीबोर्ड है वो कंप्यूटर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इट हैज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ कीज़। उसके अंदर बहुत छोटी छोटी कीज़ होती है, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कीबोर्ड कैसा दिखता है और कीज़ किसको कहते हैं। दीज कीज़ आर यूज टू टाइप लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। जो कीज़ होती है उनका यूज़ किस लिए होता है, लेटर्स टाइप करने के लिए, नंबर्स टाइप करने के लिए, कुछ भी लिखने के लिए कंप्यूटर में हम किसका यूज़ करते हैं, कीबोर्ड का। वॉट एवर वी टाइप थ्रू अ कीबोर्ड अपेयर्स ऑन द मॉनिटर। कुछ भी अगर आप कीबोर्ड से टाइप करते हो तो वो आपको कहाँ पे शो करता है, आपके मॉनिटर पे शो करता है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि अ कीबोर्ड हैज़ थ्री टाइप्स ऑफ की। एक कीबोर्ड में मतलब तीन तरह की कीज़ होती हैं। पहली है अल्फ़ाबेट, दूसरी है नंबर और तीसरी है स्पेशल कैरेक्टर्स। यहाँ पे इन्होंने पिक्चर में दिखा रखा है आपको, सेम ऐसा ही कीबोर्ड होता है। ये रहा, ये हमारा कीबोर्ड है। अब इसमें पहले इन्होंने बताइए नंबर्स की, ये रिंग जिन पे नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे 1 2 3 4। तो ये कौन सी कीज़ है हमारी, ये है नंबर की। और जिन पे अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, जैसे इस पे देख रहे हो ना, इस पे लिखा है ASDCB, ये सारे की कौन से, जिन पे अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, ये है अल्फ़ाबेट कीज़। फिर है कैप्स लॉक की। अभी मैं सिर्फ आपको कीज़ के नाम बता रही हूँ, अब ये कीज़ कैसे काम करती है वो हम आगे पढ़ेंगे। यह है आपकी कैप्स लॉक की। यह है आपकी बैक स्पेस की, ये एंटर की है, और यह है आपका स्पेस बार, और यह है आपकी एरो की। तो ये सारी कीज़ जो अभी आपको इसमें पिक्चर में दिखा रखी है वो आपको कीबोर्ड में दिखाई है। अब इनका काम क्या, ये काम कैसे करती है वो हम पढ़ेंगे। अब फर्स्ट है आपकी अल्फ़ाबेट की, हेल्प अस इन टाइपिंग अल्फ़ाबेट्स और टेक्स्ट। अल्फ़ाबेट से समझ में आ रहा है, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, ABCD। तो अल्फ़ाबेट कीज़ का यूज़ हम इसीलिए करते हैं जब हमें कुछ लिखना होता है, जैसे अभी हम कंप्यूटर पे करके देखेंगे अल्फ़ाबेट कीज़ कैसे काम करती है। तो जैसे यहाँ पे अल्फ़ाबेट है, अगर आप इसमें अपना नाम टाइप करते हो, ये है अल्फ़ाबेट कीज़। अब आप इसमें जो भी टाइप करोगे वो आपको ये मॉनिटर पे शो करेगा। तो जैसे मैं अपना नाम टाइप करती हूँ, ठीक है, ये देखो ये शो कर रहा है। अब मैं कुछ भी इसमें अल्फ़ाबेट कीज़ का यूज़ करूँगी वो मुझे कहाँ पे शो करेगा, मेरे मॉनिटर पे। तो ये यूज़ होता है आपके अल्फ़ाबेट कीज़ का। अब नंबर कीज़ से आपको समझ में आ रहा होगा, नंबर कीज़ क्या है, नंबर है 1 2 3 4। अब जैसे आप अपनी एज लिख रहे हो तो एज लिखने के लिए आप किसका यूज़ करोगे, नंबर्स का यूज़ करोगे ना। तो जैसे हमने लिखा है 15, तो हम क्या टाइप करेंगे, 1 और 5, कुछ ऐसा शो करेगा आपको। अगर इसके अलावा आपको कोई फ़ोन नंबर लिखना है या कुछ भी लिखना है तो किसका यूज़ करेंगे हम, नंबर कीज़ का। तो ये दो चीज़ें थी आपकी, अल्फ़ाबेट कीज़ और नंबर कीज़। अब नेक्स्ट है आपका स्पेस बार। स्पेस बार क्या है, हर कीज़ के नाम से आपको उसका फंक्शन पता चल जाएगा। जैसा अल्फ़ाबेट कीज़ से पता चल रहा है कि हमें अल्फ़ाबेट लिखने के लिए काम आएगी, नंबर कीज़ से पता चलता है कि नंबर लिखने के लिए काम आएगा। अब है स्पेस बार, स्पेस का मतलब क्या होता है, जगह देना। अब जैसे आप कुछ लिख रहे हो, जैसा अब ये हमने लिखा है, तो ये इसमें क्या है, हमें स्पेस देना है, थोड़ी गैप देनी है। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, स्पेस बार की का। तो इस तरीके से हम इसे प्रेस करेंगे, यहाँ पे स्पेस आ जाएगा, ये देखो। ठीक है, तो ये है स्पेस बार की। अब नेक्स्ट है आपकी इंटर की। जैसे आप हाथ से अपनी कॉपी में लिखते हो ना तो आपकी एक लाइन फिल हो जाती है तो आप दूसरी लाइन में लिख लेते हो, लेकिन जब आप कंप्यूटर में लिखते हो तो अगर आपकी एक लाइन में पूरा हो गया है, अब आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम इंटर की का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं, अब हमें नेक्स्ट लाइन में लिखना है, तो हम क्या प्रेस करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे। ये देखो ये कर्सर नीचे आ गया आपका। तो इस तरीके से अगर आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है तो किसका यूज़ करते हैं, हम इंटर कीज़ का यूज़ करते हैं।
तो ये आज आपकी क्लास थी। अब इसके बाद का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और लास्ट जो आपका